हाय गाइस, आप लोग कैसा हो? आशा करते हो आप लोग ठीक हो। तो गाइस, आप लोग मेरा थंबनेल में देख चुके हो या मेरा वीडियो का फर्स्ट में ही देख चुके हो मेरा फ़ोटो किस तरह से एडिट होने वाला है। तो गाइस, ये वीडियो 3 स्टेप में आएगा, तो आप लोग ज़रूर देखना। तो इस स्टेप में जो चीज़ दिखाने वाला हूँ वो आप लोग देख लीजिएगा, अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो गाइस चलो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। गाइस, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। तो चलो गाइस, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो गाइस, आपको सबसे पहले लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर आ जाना है। देख सकते हो मैं लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर आ चुका हूँ। तो उसके बाद आपको देख सकते हो कॉन्टेस्ट को कुछ इस तरह से दे देना है, हाईलाइट्स को भी इस तरह से दे देना है, थोड़ी सी दे देना है गाइस। तो शेडो को भी दे देना है, व्हाइट को भी थोड़ी सी दे देना है। देख सकते हो इस तरह से आपको थोड़ी थोड़ी दे देना है। देने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इस टूल में आकर आने के बाद आपको डायरेक्टली आपको आ जाना है ऊपर में मैक्स, देख सकते हो इस पर आपको आ जाना है, सॉरी मिक्स। आने के बाद आपको ऑरेंज टोन में आ जाना है गाइस। आने के बाद आपको सैचुरेशन को इस तरह से माइनस की ओर कर देना है। करने के बाद आपको देख सकते हो करीब इतना रख देना है। उसके बाद ल्यूमिनेंस को इतना सा रख देना है, करीब 16-17 रख देना है। रखने के बाद आपको डन पे क्लिक कर देना है गाइस। देख सकते हो ऊपर में जो डन है उस पर आपको क्लिक कर देना है, बहुत ही बढ़िया। तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, इस टूल में आपको आ जाना है। आने के बाद आपको टेक्सचर को थोड़ी सी दे देना है गाइस, थोड़ी सी टेक्सचर को दे देना है। देने के बाद आपको क्लैरिटी को थोड़ी सी दे देना है, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद इसको भी थोड़ी सी दे देना है, देख सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा इस टूल में आपको आना है। आने के बाद शार्पिंग को करीब इतना रख देना है, कलर नॉइस को रख देना है इतना सा, नॉइस को भी इतना सा दे देना है। देने के बाद आपको मैस्किंग को भी करीब थोड़ी सी दे देना है, कॉन्टेस्ट को भी थोड़ी सी दे देना है। देने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा इस, देख सकते हो मेरा जो फेस है करीब अच्छी हो गई है थोड़ी सी। उसके बाद आपको फोटो को सेव कर लेना है। तो गाइस, फ़ोटो सेव करने के बाद आपको चल जाना है और एक ऐप में। तो चलो मैं चलता हूँ। तो गाइस, फ़ोटो सेव करने के बाद आपको फ़ोटो रूम एप्लीकेशन में आपको आ जाना है। तो गाइस, आप लोग देख सकते हो मैं आ चुका हूँ। तो गाइस, आने के बाद आपको सबसे पहले डाटा ऑन कर लेना है गाइस अपनी फ़ोन का। तो देख सकते हो गाइस, मैं अपनी फ़ोन का डाटा ऑन कर चुका हूँ। तो उसके बाद आपको देख सकते हो कुछ इंटरफेस इस तरह से दिखेगा। उसके बाद आपको स्टार्ट पे क्लिक कर देना है, प्लस देख सकते हो उस पर आपको क्लिक कर देना है, बहुत ही बढ़िया। क्लिक करने के बाद आपको जो फ़ोटो है, जो आप फ़ोटो सेव किया है वो फ़ोटो ले लेना है। लेने के बाद आपको ऑटोमेटिक ही ये कटआउट काट के दे देगा। तो चलिए मैं कर लेता हूँ। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं मेरा फ़ोटो का कटआउट हो चुका है। तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, उसके बाद आप लोग देख सकते हो जो मेरा कटआउट है उस पर आपको क्लिक कर देना है, देख सकते हो। तो गाइस, मैं क्लिक कर चुका हूँ। तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, उसके बाद मेरा जो कटआउट है उसको मैं थोड़ी सी छोटा कर लेता हूँ, इस तरह से थोड़ी सी छोटा कर लेता हूँ, क्योंकि जो नाम है देख सकते हो, लोगो है फ़ोटो का, वो ना आए मेरा फ़ोटो के अंदर। तो उसके बाद आपको फ़ोटो को सेव कर लेना है गाइस, बहुत ही बढ़िया। तो गाइस, फ़ोटो सेव करने के बाद आपको आ जाना है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर, मतलब कि कटआउट सेव करने के बाद आपको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर आ जाना है। आने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, आने के बाद आपको डायरेक्टली आपको आ जाना है एक फ़ोटो के अंदर, देख सकते हो आप। इस एक फ़ोटो में आपको क्लिक कर देना है। करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, करने के बाद आप लोग जो कटआउट किया है वो कटआउट को आपको ले लेना है, देख सकते हो तरह से ले लेना है। लेने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, लेने के बाद आपको अच्छी तरह से लगा देना है। तो मैं अच्छी तरह से लगा देता हूँ, आप लोग भी लगा दीजिएगा। तो गाइस, मैं जो बैकग्राउंड यूज़ किया हूँ वो बैकग्राउंड का लिंक मैं आपको दे दूँगी, आप चाहो तो उसे डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो गाइस। इस तरह से अच्छी तरह से मेंटेन कर आपको लगा देना है। तो गाइस, मैं इसको भी अच्छी तरह से मेंटेन कर लगा दूँगी। तो गाइस, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये वीडियो 3 स्टेप में आएगा, कोई भी चीज़ मिस्टेक नहीं होगा इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो 3 स्टेप में आएगा, तो आप देख लीजिएगा। तो उसके बाद इरेज़ में जाकर
आपको इस तरह से थोड़ी सी इरेज कर लेना है, देख सकते हो इस तरह से आपको इरेज कर लेना है थोड़ी थोड़ी कर कर, जहाँ पे दिखेगा इरेज करना होगा उस पर आपको कर लीजिएगा। इस तरह से कर लेना है, करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, देख सकते हो इस तरह से थोड़ी सी इसमें है ज़्यादा, तो इस तरह से कर लेना है। करने के बाद आप लोग जो देख सकते हो जो कॉर्नर पे एक राइट है, देख सकते हो गाइस, तो गाइस कॉर्नर पे जो राइट है उस राइट पे आपको क्लिक कर देना है। इस राइट पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, क्लिक करने के बाद आपको और भी एक राइट दिखेगा, मतलब कि डन दिखेगा, उस पर भी आपको क्लिक कर देना है, देख सकते हो कॉर्नर पे, बहुत ही बढ़िया। करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, करने के बाद आपको ड्रॉ टूल एप्लीकेशन के अंदर आ जाना है, देख सकते हो इस पर आपको आ जाना है। तो इससे फ़ोटो सेव करने के बाद, मतलब कि इससे ड्रॉ टूल में फ़ोटो सेव करने से अपनी फ़ोटो क्वालिटी नहीं फटता है। तो गाइस उसके बाद मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, मतलब कि नेक्स्ट एपिसोड में। तो चलिए।